तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग लाइव प्रूफ देख सकते हो दोस्तों। इस पेज के ऊपर अभी टोटली क्रिकेट की वीडियो डाली गई है एंड दोस्तों हर वीडियो के ऊपर मिलियंस में व्यूज़ आते हैं। सो दोस्तों अभी के टाइम पे क्रिकेट देखना कौन पसंद नहीं करता। दोस्तों मुझे भी क्रिकेट बहुत पसंद है और आप लोग भी देखते होंगे। दोस्तों अगर आप लोग क्रिकेट की लॉन्ग फॉर्म वीडियो को शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड करते हो तो दोस्तों आपका ना एक ही दिन में वीडियो वायरल हो जाता है गारंटी के साथ। पर दोस्तों लोगों के साथ यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू रहता है। कुछ लोगों को यहाँ पे कॉपीराइट मिल जाता है लेकिन कुछ लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक मिल जाता है जिसके कारण दोस्तों उनका अकाउंट लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव नहीं कर पाता। पर दोस्तों वो बहुत बड़ी गलतियाँ करते हैं जिसकी वजह से उनकी वीडियो पे कॉपीराइट आता है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। दोस्तों जो आज के वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ वही आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है तो ना तो आपकी वीडियो के ऊपर कॉपीराइट आएगा ना ही आपके अकाउंट के ऊपर स्ट्राइक आएगा और ना ही आपका अकाउंट सस्पेंड होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कहाँ से लेना है, किस तरह एडिट करना है, किस तरह अपलोड करना है, सारी बातें इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। पर दोस्तों आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा अगर आप लोग सीखना चाहते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आपको सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को ऑल पे दबा लेना है क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर इसी तरह की वीडियोस आपको डे बाय डे देखने को मिलती रहती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करें। अब दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको क्रिकेट वीडियो कहाँ से लेना है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग एक बहुत बड़ी गलती करते हैं, कहीं से भी एक रॉ फाइल डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों यूट्यूब पे किसी ने कोई वीडियो अपलोड किया हुआ है तो दोस्तों वहाँ से उसको डाउनलोड करते हैं एंड डायरेक्टली उसको थोड़ा बहुत एडिट करते हैं और उसे अपने रील्स के ऊपर अपलोड कर देते हैं या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स के ऊपर अपलोड कर देते हैं। पर दोस्तों आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है, आपको इस कंडीशन में सबसे ज़्यादा कॉपीराइट मिलता है, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आखिरकार आपको वीडियो कहाँ से लेना है और ना ही आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आने वाली है और ना ही कोई स्ट्राइक मिलेगी। तो चलिए आपको बता देता हूँ। सो दोस्तों अगर आप लोग यहाँ से सेफ वीडियो डाउनलोड करना चाहते हो ना तो आपको कोई कॉपीराइट मिले ना ही आपको कोई स्ट्राइक मिले तो सबसे पहले दोस्तों आपको प्ले स्टोर के अंदर आ जाना है। यहाँ से आपको बिल्कुल सेफ वीडियो मिलने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो वो क्या एप्लीकेशन है, सबसे पहले आपको सर्च बार में सर्च करना है और दोस्तों यहाँ से आपको हॉटस्टार को सर्च कर लेना है। दोस्तों यहाँ से आपको बिल्कुल सेफ एकदम से यहाँ पे वीडियोस मिलने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले तो आपको इसे यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है एंड उसके बाद दोस्तों इसके अंदर आपको साइनअप कर लेना है। और दोस्तों साइनअप करने के बाद आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ये जो स्पोर्ट्स हैं यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। अब दोस्तों जैसे आप लोग स्पोर्ट्स के ऊपर क्लिक करोगे तो आप लोगों को काफ़ी सारे मैच यहाँ पे मिल जाएंगे और यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को हाइलाइट्स डाउनलोड करने हैं। अब दोस्तों आपको हाइलाइट्स कैसे डाउनलोड करने हैं और दोस्तों आपको यहाँ पे डाउनलोड भी नहीं करना है। अगर आप लोग डाउनलोड करते हो रॉ फाइल को तो दोस्तों उससे आपको स्ट्राइक या फिर कॉपीराइट मिल सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों जो आपके फ़ोन का स्क्रीन रिकॉर्डर रहता है आपको दोस्तों उसको ऑन कर लेना है। तो आप लोग देख सकते हो स्क्रीन रिकॉर्डर मैंने ऐसे ऑन कर लिया है और आपको दोस्तों यहाँ से जो आप लोग वीडियो यहाँ से यूज़ करना चाहते हो आपको उसे सबसे पहले प्ले कर लेना है। तो चलिए मैं ये वाला यहाँ पे प्ले कर लेता हूँ एंड प्ले करने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हो मेरे सामने ये प्ले हो चुका है। तो थोड़ा मैं इसको कट कर देता हूँ, ये पूरा मैच यहाँ पे अवेलेबल हो चुका है आप लोग देख सकते हो। और दोस्तों इसको सबसे पहले तो आपको बड़ा स्क्रीन के अंदर कर देना है। आप लोग देख सकते हो मेरा यहाँ पे मैच फाइनली चल चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर देनी है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो आपका स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ से ऑन हो चुका है एंड आपका वीडियो यहाँ से रिकॉर्ड हो रहा है। आप लोग जितना भी सेकंड का यहाँ से वीडियो बनाना चाहते हो आप लोग यहाँ से 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जितना भी चाहे वीडियो आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हो और दोस्तों यहाँ से आपको कोई कॉपीराइट वगैरह भी नहीं मिलने वाला है। अब दोस्तों आपके पास वीडियो तो बिल्कुल फ्री में आ चुका है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों को वीडियो को एडिट कैसे करना है। अब दोस्तों एडिटिंग में आपको थोड़ा एडवांस लेवल का करना है क्योंकि दोस्तों आपको ना तो स्ट्राइक मिले ना ही आपको कॉपीराइट मिले। सो दोस्तों आपको एडिटिंग में अपनी वीडियो में कुछ ऐसा एंगेजमेंट भी डालना है जिससे पब्लिक आपके वीडियो को एंड तक देखे। तो चलिए दोस्तों आपको बता देता हूँ आपको अपनी वीडियो को किस तरह से एडिट करना है। तो अब दोस्तों आपको उस वीडियो को एडिट करने के लिए सबसे पहले आपको कोई भी एक एडिटिंग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। दोस्तों मैं VN एप्लीकेशन के थ्रू एडिट करने वाला हूँ बिकॉज इसके अंदर काफ़ी ईजी एडिटिंग करना, ठीक है। तो सबसे पहले आपको VN ऐप को ओपन करना है एंड ओपन करने के बाद दोस्तों कुछ इस तरह का एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है तो आपको इसे स्किप कर देना है। उसके बाद आपको प्लस के ऊपर क्लिक करना है एंड आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ से जो आप लोगों ने वीडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग किया था आपको यहाँ पर राइट क्लिक कर लेना
लेना है। और दोस्तों आपका वीडियो यहाँ पे आ चुका है, आप लोग देख सकते हो। सबसे पहले दोस्तों इसका वॉइस आपको ऑफ कर लेना है, एंड वॉइस ऑफ करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर ओरिजिनल के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ से आपको 19:16 के ऊपर क्लिक कर देना है, जो कि आपको इंस्टाग्राम रील्स का साइज होता है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे आपको इसे स्क्रीन बड़ा कर देना है। बड़ा करने के बाद दोस्तों आप लोग कुछ इतना कर सकते हो या फिर आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले कट लगा देना है, जहाँ से ओनली जो बैट्समैन है यहाँ पे जो गेंद खेल रहा है ना, वहाँ तक आपको सबसे पहले रखना है, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ से बैट्समैन गेंद खेल रहा है, तो यहाँ पे कट के ऊपर आपको क्लिक करना है, एंड जो आपका स्टार्टिंग वाला लेयर है इसको आपको डिलीट कर देना है। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे शॉट खेला, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपको कट लगा देना है। और दोस्तों अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट वाला जो शॉट रहता ना, आपको वो ऐड करना है। आप लोग देख सकते हो यहाँ से नेक्स्ट शॉट आ चुका है, तो चलिए यहाँ स्प्लिट के ऊपर क्लिक करते हैं, और दोस्तों इसके ऊपर आपको क्लिक करके डिलीट कर देना है। ओनली दोस्तों आपको वही क्लिप इसके अंदर रखना है जो कि ओनली बैट्समैन शॉट खेल रहा है, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हो दो शॉट मेरे आ चुके हैं। आप लोग अपने वीडियो के अंदर 5 से 10 शॉट रख सकते हो, या फिर आप लोग जितना चाहे, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो बैट्समैन यहाँ से शॉट खेल चुका है। अब यहाँ से नेक्स्ट हम लोग कर लेते हैं, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे स्प्लिट के ऊपर क्लिक करेंगे, एंड इस लेयर को डिलीट कर देंगे, ठीक है। अब दोस्तों आप लोग देख सकते हो हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है। अब हम नेक्स्ट वाले शॉट ऊपर जाएंगे, और इसी तरह से आप लोगों को सभी शॉट्स कर लेना है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो आपको जूम करके वही शॉट्स रखने हैं ओनली, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको एग्जांपल के तौर पे समझा रहा हूँ, आप लोग अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कर सकते हो। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हो आपका वीडियो 10 सेकंड का यहाँ पे बन चुका है। आप लोग जितना कम सेकंड का अपना वीडियो रखोगे, उतना ही जल्दी आपका वीडियो वायरल होगा, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अब आपको क्या काम करना है, आपको सबसे पहले काम रहता है दोस्तों आपको एक यहाँ पे साउंड इफेक्ट ऐड करना है। कौन सा साउंड इफेक्ट है, चलिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्रिकेट बॉल टच, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये एक साउंड इफेक्ट होता है, तो आप लोग इसे मेरे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, या फिर आप लोग डायरेक्टली टेक्नो अवनी सर्च कर सकते हो, वहाँ पर आपको ये साउंड इफेक्ट मिल जाएगा बड़ी आसानी से, कहीं भी आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको यूज के ऊपर क्लिक करना है, और दोस्तों जहां से बैट्समैन शॉट खेल रहा है ना, जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहां से बैट्समैन शॉट खेल रहा है, तो यहां पे आपको इस साउंड इफेक्ट को लगा देना है। इससे दोस्तों आपके वीडियो में काफी ज्यादा अट्रैक्टिविटी आ जाएगी, एंड आपका वीडियो काफी प्रोफेशनल बन जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो कुछ इस तरह से यहाँ पे मैं लगा देता हूँ, और आप लोग देख सकते हो कैसा आपका वीडियो बनेगा। सो दोस्तों आप लोग देख सकते हो 2 से 3 जगह मैंने यहाँ पे लगा दिया है। दोस्तों आप लोग भी अपने अकॉर्डिंग अपने वीडियो में यहाँ पे इसे लगा लेना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या काम करना है, जिससे आपको वीडियो में बिल्कुल भी आपको कॉपीराइट ना मिले, आपको म्यूजिक के ऊपर क्लिक कर लेना है। और दोस्तों आप लोग यहाँ से कोई बॉलीवुड म्यूजिक या फिर कोई भी जो कि अभी ट्रेंडिंग पे म्यूजिक चल रहा है इंस्टाग्राम के ऊपर, वो आप लोग इसके अंदर यूज कर लेना। दोस्तों मैं आपको एज ए एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग यूज कर लेना। अगर मैं आपको करके दिखाऊंगा तो मेरे को यूट्यूब पर कॉपीराइट मिल जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों जैसे आप लोगों को यहाँ पे अपना वीडियो कुछ इस तरह से क्रिएट हो जाता है, तो दोस्तों आप लोग अपनी वीडियो में बस कट लगा देना, आपको कॉपीराइट नहीं मिलने वाला। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या काम करना है, आपको फिल्टर के ऊपर क्लिक कर लेना है, और यहाँ से आप लोग कोई भी एक फिल्टर अप्लाई कर सकते हो, और उसकी इंटेंसिटी को आप लोग कर देना ओनली 3 या 3 से 4 आप लोग कर सकते हो। ये सब करने के बाद दोस्तों इंस्टाग्राम आपकी वीडियो को नहीं पहचान पाएगा, मतलब कॉपीराइट देना है या फिर नहीं देना है। उसके बाद आपको एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है, एंड दोस्तों आप लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक कर देना है, और आप लोगों को अपनी वीडियो को इंस्टाग्राम के ऊपर अपलोड कर देना है। तो इससे दोस्तों आपका वीडियो में ना तो कोई कॉपीराइट आएगा, ना ही आपको कोई स्ट्राइक मिलने वाला है। सो दोस्तों इस तरह से आप लोग अपनी वीडियो को एडिट कर सकते हो, एंड इस तरह से आप लोग कंप्लीटली अपना क्रिकेट का वीडियो बना सकते हो, उसके पीछे आप लोग कोई अट्रैक्टिव बैकग्राउंड म्यूजिक लगा करके। अब दोस्तों आपका वीडियो बनकर रेडी हो चुका है, आप लोगों को उसे इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देना है अच्छे से हैशटैग लगा करके। आपको दोस्तों कुछ और काम नहीं करना है, आपको ना तो कोई कॉपीराइट मिलने वाला है, और ना ही आपको कोई स्ट्राइक मिलने वाला है। दोस्तों आप लोग ये काम करो तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपका वीडियो दोस्तों यहाँ पे 1 हफ्ता 1 दिन 2 दिन के अंदर भी वायरल हो सकता है, अगर दोस्तों आप लोगों ने अपना वीडियो अच्छा बनाया। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हमारे चैनल पर आप लोगों को इसी तरह के वीडियोस मिलते रहेंगे। सो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो के लिए टाटा एंड बाय बाय।